हेलो नमस्ते प्रणाम, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मौसम का बात करें तो मौसम बहुत ही सुहाना हो गया है। मई ख़त्म हो गया, जून स्टार्ट हो गया है, लेकिन गर्मी बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। कभी बारिश, कभी धूप, कभी बादल, कभी हवा, ऐसे मौसम हो रखा है। और जब से गर्मी स्टार्ट हुई है ना, करीबन 4-5 दिन ही अच्छा गर्मी पड़ा है। उसके बाद से तो मौसम हमेशा ऐसे ही बना है, अच्छा है, गर्मी नहीं है। वरना गर्मी किसे पसंद है, चिपचिप गर्मी, पसीना। सही है, मौसम अगर ऐसे ही रहे तो मौसम देख के ना ऐसा लग रहा है इस साल गर्मी पड़ने वाली नहीं है। लेकिन कुछ कह भी नहीं सकते, ये तो ऊपर वाले ही जानते हैं मौसम आगे कैसा होगा। तो मैं अभी आई हूँ छत पे और अभी बज रहे हैं शाम के 5। और जब ये मैं हवा देखी ना, ऐसे ठंडी ठंडी हवा चल रहा है, तो मैं भी छत पे आ गई ऐसे मौसम का आनंद लेने के लिए। तो आज मैं अपना ब्लॉग जो है यहीं से स्टार्ट करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। इस सीज़न का पहला आम है जो हमारे घर पे आया है। इससे पहले जो आम आती थी ना, वो बहुत खट्टा हुआ करता था, तो मैं नहीं मंगाती थी। लेकिन अब आम जो है, ये वाली देसी आम बोलते हैं, तो ये आम जो है ना मीठा है, तो इसीलिए मन हो रहा था आम खाने का, तो मैंने मंगवा लिया है। मैं भी अभी शाम के टाइम मंदिर साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पे कपड़े ये सब यहीं पे अंदर ही धो के जो है मैं ऐसे फैला रखी हूँ, तो पंखे का हवा चल रहा है, कपड़े अच्छे से यहीं पे सूख जाएगा। और ना ये जो तेल का दानी है ना, बहुत ही काला हो रखा था, तो इसको भी मैं अभी साफ कर रही हूँ। चमक उठाए देखिए, तो इसको तो मैं मूर्ति गिर गई ये वाली। और ये वाली फ़ोटो है ना, जब हम अर्णब का मुंडन करवाने गए थे ना गुवाहाटी कामाख्या मंदिर, तो वहाँ से ये वाली फ़ोटो लाए थे हम। तो कपड़े तो यहीं सूख जाएंगे, अंदर ही आराम से सूख जाएगा। एक नई सुबह की शुरुआत कर रही हूँ और यहाँ मैं भून रही हूँ भुट्टा गैस पे। तो भुट्टे को पहले मैं कुकर में पानी और नमक डाल के ना 2 सीटी लगा के उबाल ली थी। फिर उसके बाद इसको गैस पे रोस्ट कर दूँगी, तो कच्चा नहीं रहेगा। वरना कहाँ ऐसे गैस पे भून पाते हैं भुट्टे, जैसे कोयला में भूनते हैं। और आज ना मैं दोपहर का खाना नहीं बनाई हूँ, केवल नाश्ता बनाई थी। भुट्टा भुट्टा रखा हुआ था, तो भुट्टा भी मैं बना दी हूँ। और बच्चों को भूख लगेगी बाद में, तो कुछ बना दूँगी खाने के लिए। ऐसा नहीं कि बच्चों को भूख लगा है और कुछ ना बनाऊँ, मैं भी ऐसे रहूँ भूखे और बच्चों को भी भूखे रखूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। भूख लगेगा तो कुछ ना कुछ मैं बना ही देती हूँ। नींबू और नमक लगा के भुट्टे खाओ, बड़ा ही आनंद आता है। और अभी मैं ना यहाँ पे जा रही हूँ कुछ सिलने, तो आप लोगों को मैं बता रही हूँ क्या सिल रही हूँ। मैं सिलने जा रही हूँ सलवार, तो मेरे पास एक रेड कलर का सलवार का कपड़ा पड़ा हुआ है, तो ना मैं इसको अभी जा रही हूँ सलवार सिलने। तो यहाँ पर मैं सलवार कटिंग वगैरह कर ली हूँ और मैं सिल रही हूँ। मैं थोड़ी बहुत सिलाई कर लेती हूँ, लेकिन खुद का ही सिलती हूँ मैं, तो कभी खुद से सिल लेती हूँ, कभी बाहर सिलवा लेती हूँ, लेकिन बीच बीच में प्रैक्टिस जारी रहती है। तो यहाँ पे बच्चों को ना हलवा खाने का मन कर रहा था बहुत दिन से, खासकर रिया को। तो रिया का जो है ना मीठा चीज़ फेवरेट है, जैसे खीर हो गया, हलवा, इसे बहुत पसंद है। तो बोल रही थी बार बार घी आता है, ख़त्म हो जाता है, मैं हलवा नहीं बनाती हूँ। तो थोड़ी सी सूजी भी रखा हुआ है बहुत दिन से, तो इसका मैं हलवा बना दे रही हूँ। तो बीच में सूट भी सिल रही थी, और उठ के बच्चों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। और मेरे वीडियो में ना आप लोगों को थोड़ी सी भजन का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, तो हमारे बगल में ना रामायण कल से चल रहा है और अभी तक वो रामायण चल रहा है, तो उसी का थोड़ा बहुत आवाज़ जो है इसमें रिकॉर्ड हो गया है। और देखिए यहाँ पे हलवा भी बन गया है। और ना मैं इसमें कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं डालूँगी फ़िलहाल, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है ड्राई फ्रूट्स में,
तो हलवा ऐसे भी अच्छे लगते हैं खाओ तो हलवा बन के रेडी हो गया है और बच्चों को दे दूंगी। मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं भुट्टा खाई थी ना दोपहर में, तो अभी भूख नहीं लगा है। तो मेरा सलवार सिल के रेडी हो गया है और बहुत ही बढ़िया सलवार सिली हूँ मैं, और कोई चीज़ अगर अच्छा बनता है तो बहुत खुशी मिलती है। तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।